मुल्तान में डाकू राज शहरी गैर महफूज ताजे लुटने लगे। तीन मुसल्ला डाकुओं की दीदा दिलेरी। जसवंत नगर मवेशी मंडी में कार पर फायरिंग। आरतियों से 1.5 करोड़ रुपए छीन कर फरार। आरतियों का सिक्योरिटी ना मिलने पर एहतजाज। सीपीओ मुनीर मसूद मार्च का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की तलाश के लिए टीम तश्कील। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी। गरीब के लिए बुनियादी जरूरियात का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। सहूलत बाजार में सहूलत नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स भी काम न आए। फोटाबास में यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, आटा, दालें और चावल 1.5 माह से गायब। शहरी बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। शेख सैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का एक और एजाज। जनूबी पंजाब में मेडिकल तहकीकती जनरल का हामिल पहरा इदारा। हायर एजुकेशन कमीशन ने तहकीकती जनरल को मंजूर कर लिया। एडिशनल जनरल एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा का कहना है कि एचईसी की जानब से तहकीकती जनरल की इशात की मंजूरी दे दी गई है। और बहावलपुर डिवीजन में स्पोर्ट्स के कई मंसूबों की तकमील। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यजमान और लियाकतपुर का मंसूबा मुकम्मल। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मकसूदुल हसन जावेद का कहना है कि बहावल नगर में 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान की मुख्तलिफ तहसीलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने से खेलों को फ़रोग़ मिलेगा।